ऐ नबी मेरा पैगाम सुना दो। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने परवरदिगार से डरो, जिन लोगों ने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है और अल्लाह की जमीन कुशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेहिसाब सवाब मिलेगा। कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और ये भी इरशाद हुआ है कि सबसे पहले मैं फरमाबरदार बन जाऊं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से खालिस करके अल्लाह ही की इबादत करता हूं, अब तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो। कह दो कि नुकसान उठाने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। देखो यही सरासर नुकसान है। उनके ऊपर आग के सायबान होंगे और नीचे उसी के फर्श होंगे। ये वो अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि ऐ मेरे बंदो मुझी से डरते रहो। और जिन्होंने इस बात से परहेज किया कि बुतों को पूजें और अल्लाह की तरफ रुजू किया उनके लिए बिशारत है। तो मेरे बंदों को बिशारत सुना दो, जो बात को गौर से सुनते हैं फिर सबसे अच्छी बातों की पैरवी करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और यही अक्ल वाले हैं। भला जिस शख्स पर अजाब का हुक्म सादिर हो चुका हो तो क्या तुम उसे जो दोजख में पड़ा हो निकाल सकते हो? लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके ऊपर बालाखाने बने हुए हैं और उनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता, फिर उसको जमीन में चश्मे बनाकर जारी करता, फिर उससे खेती उगाता है जिसके तरह तरह के रंग होते हैं, फिर वो तैयार हो जाती है, बस तुम उसको देखते हो कि जर्द हो गई है, फिर उसे चूरा चूरा कर देता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत है। भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो सो वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो तो क्या वो सख्त दिल काफिर की तरह हो सकता है? बस उन पर अफसोस है जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल और सख्त हो रहे हैं, और यही लोग सरासर गुमराही में हैं। अल्लाह ने निहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं, यानी किताब, जिसकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। भला जो शख्स कयामत के दिन अपने चेहरे पर बुरे अजाब को रोकता हो क्या वो वैसा हो सकता है जो चैन में हो? और जालिमों से कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे थे अब उसके मजे चखो। जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी तकजीब की थी तो उन पर अजाब ऐसी जगह से आ गया कि उनको खबर ही न थी। फिर उनको अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी में रसवाई का मजा चखा दिया और आखिरत का अजाब तो बहुत ही बड़ा है। काश ये समझ रखते। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं ताकि वो डर माने। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक हैं मुख्तलिफ मिजाज के, और एक आदमी पूरे का पूरा एक शख्स का गुलाम है। भला दोनों की हालत बराबर है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ पैगंबर, तुम भी मरने वाले हो और ये भी मरने वाले हैं, फिर तुम सब कयामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने झगड़ोगे